对这样子。अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक हमेशा से हमारे ऑब्जेक्टिव रहा था कि हम रूरल बैंक का किसी तरह से रूरल लोगों का हम लोग सेवा करें, बैंकिंग सेवा उनको दें, फाइनेंस इंक्लूजन करें। और इसके लिए ARSRLM हमें एक अच्छा माध्यम लगा जिसके थ्रू हम इस काम को कर सकते हैं। इनिशियली हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप का दापोरिजो से स्टार्ट किया और ये बहुत सक्सेसफुल मिशन रहा। इस सक्सेस के बाद हमें लगा कि नहीं, नाउ वी कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग इनकी टीम और हमारी टीम, ARSRLM को जो टीम है, ARSRLM की टीम और हमारे रूरल बैंक की टीम में अभी बहुत अच्छा सामंजस्य है। इसको हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। MOU होने से क्या होगा कि हम दोनों के बीच आपस में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और अब इनके पास से जो भी प्रपोजल सोर्स करेंगे इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अच्छा प्रपोजल सोर्स करें। और जब प्रपोजल सोर्स अगर हमारे ब्रांचेज में आएगा तो फिर हमारा ऑब्लिगेशन भी होगा कि हम उसको टाइमली डिस्पोज ऑफ करें। ये मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को बांधने के लिए था कि हमारी भी ड्यूटीज़ हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप भी जो काम करें वो अच्छा से करें और हम भी जो काम करें अच्छा से करें। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन का है, वुमेन एम्पावरमेंट का है, अरुणाचल प्रदेश को डेवलप करने का है, वो पूरा हो सके। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक with Arunachal State Rural Livelihood Mission. Actually, this is a non-financial MOU where the objective is to give a trust to SCG bank linkage across state. आज का जो MOU है इनसे ये फ़ायदा होगा कि हम लोगों का जो बैंकिंग प्रणाली है, बैंकिंग सेक्टर जो है, ये हम लोगों का और स्पेशली जो अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक है और हम लोगों का अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन में जितने भी SCG बने हैं वो लोग जो है इन लोग से जुड़ेंगे। और इनफैक्ट ये लोग बहुत पहले से हम लोगों को मदद कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक हम लोगों को बहुत सही प्रकार से मदद कर रहे हैं। इसके वजह से लास्ट टाइम हम लोगों का बहुत सारा लोन भी ये लोग दिए हैं। आज तक देखने से नियरली 80-90 लाख ये लोगों को लोन SCG को दिए हैं। इनफैक्ट हम लोग SRLM अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हम लोग के साथ बहुत ही बिगिनिंग से हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो आज जो MOU हुआ है इनका थ्रू ये जाहिर होता है कि आगे में भी हम लोग APRB के साथ हम लोग बहुत काम करेंगे। मेन जो बोला है कि इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे जो हम लोगों का SCG जो है एक पेज वाइज मैनर में जो डेवलप हुए हैं, ये लोगों को जब अपने लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ में काम करने होते हैं तो ये लोगों को कुछ पैसों की ज़रूरत होता है, जो कि हम लोगों का बैंकिंग सेक्टर जो है हम लोग का स्पेशली APRB मदद करेंगे। हम लोग ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को हमारे यहाँ पे चार सेक्शन हैं, मतलब SRLM में जो काफ़ी ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। पहला जो थीमेटिक बोलते हैं वो जो है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग है, जिनमें हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक स्ट्रॉन्ग एक वाइब्रेंट हम लोग एक ये समूह बनाते हैं। उसके बाद जैसे बोले हैं प्राइमरी लेवल फेडरेशन बनाते हैं, बाद में हम लोग क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाएंगे। फिर दूसरा थीमेटिक जो है लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ है, जो लाइवलीहुड के फ्रंट एंड बैक एंड मार्केटिंग लिंकेज में हम लोग काम करते हैं, जो कि हम लोग बहुत काम चल रहे हैं। और जो थर्ड जो है फिनेंशियल इंक्लूजन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थीमेटिक एरिया है, जिनके थ्रू हम लोग जो है फिनेंशियल एंड कैपिटल सर्विस पहुंचाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप और फेडरेशन पहुंचाने के लिए मदद करते हैं। कैपिटल सर्विस के हिसाब से अगर बोलेंगे तो हम लोग जो है एक छोटा सा अमाउंट रिवॉल्विंग फंड देते हैं, जो 15,000 के एक पर SCG 15,000 देते हैं हम लोग। और फिर जब हायर लेवल फेडरेशन, प्राइमरी लेवल फेडरेशन बनेंगे तो उनको हम लोग जो है CIF अमाउंट कुछ देते हैं, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, फिर उसमें हम लोग VRF फंड भी देते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो कैपिटल सर्विस फिनेंशियल इंक्लूजन में देते हैं और जो फिनेंशियल सर्विस जो फैसिलिटेट करते हैं, हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है हम लोगों का फिनेंशियल इंक्लूजन में। मतलब जैसे कि बोले हैं कि हम लोगों का हायर लेवल में बैंकिंग से टाई अप है, MOU हो रहा है, और इनफैक्ट हम लोगों का जो लोअर लेवल ब्रांच मैनेजर लेवल पर हम लोगों का बैंक सखी भी है, जो कम्युनिटी और बैंक का जो गैप है उसको ब्रिज करते हैं। जितने भी प्रॉब्लम जो है ब्रांच लेवल में है, कम्युनिटी का लेवल और बैंक सखी देखते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा फिनेंशियल इंक्लूजन में काम हो रहा है। और इनफैक्ट हम लोगों का साथ जो आज बोले हैं कि APRB भी जुड़े हैं थ्रू, और
पहले तो इनफॉर्मली जुड़े हुए थे, नॉन ऑफिशियली, अभी ऑफिशियली हम लोग MOU किए हैं। इनके द्वारा हम लोग ये मानते हैं कि डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जो APR भी साथ दे रहे हैं उसके द्वारा हम लोगों का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, प्राइमरी लेवल फेडरेशन है, वो लोग भी बहुत सारा लोन लोन मिलेंगे, और लोन मिलते हुए मतलब वो लोग बहुत सारा काम लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ करेंगे। इनफैक्ट ये मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी अरुणाचल प्रदेश में बैंक है वो लोग आगे आए, हम लोग का साथ जुड़े रहे, ताकि हम लोग का जो मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, एक ग्रामीण क्षेत्र में जो एक चेंजेस लेके आना, मतलब ग्रामीण क्षेत्र को महिला का थ्रू हम लोग का जो चेंजेस लेके आना है उसमें साथ देने का, साथ देंगे तो हम लोगों का ये जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। थैंक यू। वी हैव टू लर्न नाउट टू ब्रिंग इट अप। द फर्स्ट It was to build a strong capacity and institutional building. There we have successfully achieved. The next step is to facilitate bank linkages, which is a part now. After having meetings there in the MORD at Delhi, we used to come to state and we used to try to coordinate and try to make understand the all banks. Actually, all banks should come forward in this work. From all banks, firstly, we could receive cooperation from Rural Bank, and I'm very much thankful to Rural Bank. लोगों को नहीं पता, नेशनलाइज्ड बैंक उसी बैंक को कहा जाता है जिसको नेशनलाइज्ड किया गया। दो प्राइवेट बैंक्स, फर्स्ट नेशनलाइजेशन टुक प्लेस इन 1969 at the time of the honorable late prime minister Indira Gandhi. Second was done at the time of honorable late prime minister Rajiv Gandhi in 1989, I think so. That's why they are called nationalized bank. But state bank is not called nationalized bank. It is a bank which is created from the State Bank of India Act. Same way, Arunachal Pradesh Rural Bank is created out of the Arunachal Pradesh Regional Rural Bank Act. Ab samvidhan ka cheez hai. तो हमको बोलना पड़ा तो अजीब लगा, लेकिन ये बोलना जरूरी था क्योंकि मीडिया के माध्यम से आप ही ये बात बता सकते हैं। वी हैव टिल डेट फिनांस्ड 114 सेल्फ हेल्प ग्रुप। सी, ओपनिंग सेविंग्स अकाउंट इज ए वेरी इजी थिंग, किसी डिपॉजिट लेना बहुत आसान है, पैसा देना मुश्किल, क्योंकि NPA हो जाता है, खराब हो जाता है, तो बैंक डरता है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग आगे बढ़ने वाले लोग हैं। अभी तक आपके थ्रू तो 98 हुआ है, बट वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 1.65 करोड़। अभी मोर देन 200 प्रपोजल्स आर इन पाइपलाइन, जिसमें आप ही का सारा है। आप लोगों को एक जानकर आश्चर्य अच्छा लगेगा मीडिया लोगों को कि नामसाई, रोइंग और तेजू, ये तीन जगह बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। सबसे खुशी ये होता है कि जो हमारी माताएँ बहनें आती हैं, वी सी स्माइल इन देयर फेस कि बैंक आया, वरना यहाँ पर हमें कुछ गलत गलत चीज़ें सुनने को मिलती थी। थैंकफुली वी आर डूइंग दिस जॉब, आई एम प्राउड टू से ऑनेस्टली। ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर आप किसी को पैसा देते हैं ऑनेस्टली और टाइमली देना बहुत जरूरी है। दापोरी जो दीदी लोग जो बोलते हैं आप लोग, दे टेल द लेडीज दीदी, आई थिंक एवरीबडी इज हैप्पी। गवर्नमेंट डिपॉजिट सर आपने बोला, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। उसका रीज़न है, दिस ए गवर्नमेंट बैंक, इन गवर्नमेंट डिपॉजिट कहाँ है पता ही नहीं चलता, इसमें कम्युनिकेशन गैप भी है, हमारा भी गलती है।